नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साहित्य ज्योति में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए विषय की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास सिक्स की इतिहास की पुस्तक अतीत और परंपरा, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास सिक्स की इतिहास की पुस्तक है, उसके पाठ तीन के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पाठ तीन है उसका नाम है भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास की धारा। हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास की धारा, इसके प्रथम पर्याय यानी लगभग ईसा पूर्व 7000 से 1500 तक दिया गया है। इस पाठ में मुख्य रूप से मेहरगढ़ सभ्यता, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो और उसी से संबंधित जो वहाँ के लोगों के जीवन, उनके रहन सहन और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं उससे ये संबंधित है। आइए हम इस पाठ के मुख्य रूप से प्रश्न उत्तर की ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रथम प्रश्न कि प्रथम पर्याय की सीमा क्या है, समय सीमा क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रथम पर्याय की सीमा, जो कि आपने ऊपर की चित्र में ही देखा था कि ईसा पूर्व 7000 से 1500 तक है। आपको पता ही है ईसा पूर्व जो समय सीमा होती है उसमें उल्टी गिनती चलती है, यानी 10, 9, 8, 7 इस तरीके से, इसीलिए यहाँ पर 7000 से 1500 तक दिया है। और ईसा के जन्म के बाद से जो है गिनती वो सीधी चालू हो जाती है, सालों की गिनती सीधी चालू हो जाती है, 1, 2, 3 इस तरीके से, इसीलिए यहाँ पर 7000 से 1500 तक दिया गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में नगर सभ्यता का विकास कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर समय दिया गया है ईसा पूर्व के तीसरी शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में नगर सभ्यता का विकास हुआ था। इसके बाद का प्रश्न, चक्के का प्रयोग कब शुरू हुआ, चक्के का प्रयोग कब शुरू हुआ, नवीन पत्थर युग के अंत में। ठीक है, नवीन पत्थर युग के अंत में हमें चक्के का प्रयोग दिखाई देता है। मेहरगढ़ सभ्यता का आविष्कार किसने किया था, यानी मेहरगढ़ सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए इसके अंदर जो बताया गया है वो ये कि मेहरगढ़ सभ्यता का आविष्कार फ्रांस के जो पुरातत्ववेत्ता थे फ्रांसोया जारेज, ठीक है ये नाम याद रखिएगा, फ्रांसोया जारेज, ठीक है, इन्होंने मेहरगढ़ सभ्यता का आविष्कार किया था। और ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। इसके बाद का पांचवा प्रश्न कि तांबा पत्थर युग का एक प्राचीन केंद्र कहाँ मिला है। ठीक है, तो इसमें जगह का नाम बताना है। आपको पता ही है कि प्राचीन काल में मुख्य रूप से सबसे पहले पत्थरों का इस्तेमाल होता था और उसके बाद तांबे का व्यवहार अधिक देखा गया है, तो उसी के लिए यहाँ पर एक केंद्र का नाम पूछा गया है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान आपको पता ही है, वहाँ पर जो बलूचिस्तान प्रदेश है, ठीक है, अब तो वो पूरी सीमा के भीतर नहीं आता है, लेकिन जो मतलब बलूचिस्तान प्रदेश है उसमें मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ में ही तांबा पत्थर युग का एक प्राचीन केंद्र मिला है। मेहरगढ़ में मनुष्य किसकी खेती करता था, यानी सबसे पहले किन फसलों की खेती करता था। तो प्रथम पर्याय में क्या देखा गया है कि मेहरगढ़ के मनुष्य जो थे गेहूं और जौ की खेती करना जानते थे, यानी इसकी खेती वो लोग करते थे। मेहरगढ़ में कौन सा यंत्र मिला था, मेहरगढ़ में पत्थर से तैयार जाता और खाद्य पीसने वाला यंत्र मिला था। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन हथियार कौन सा देखने को मिला है,
इसका उत्तर देखिए, मेहरगढ़ में पाया गया, ठीक है, मेहरगढ़ आपको पता है प्राचीन सभ्यता है, तो मेहरगढ़ में पाया गया जो पत्थर का हसुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पत्थर का हसुआ भारतीय महादेश में हसुआ का सबसे पुराना प्राचीन हथियार है। अच्छा, इसके बाद का प्रश्न, मेहरगढ़ सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यदि हम मेहरगढ़ सभ्यता की बात करें, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें, तो मेहरगढ़ सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो है समाधि स्थल। ठीक है, वहां पर जो हमें समाधि स्थल देखने को मिल रहा है वो एक बहुत ही खास किस्म का है। ठीक है, ये मेहरगढ़ सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे के प्रश्न में देखिए, मेहरगढ़ की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी समाधि स्थल की क्या खासियत है, यानी समाधि स्थल में हमें कौन कौन सी विशेषता देखने को मिलती है? तो देखिए, समाधि स्थल में क्या होता था, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु देह को, यहाँ देव नहीं होगा, मृत्यु या मृत, ठीक है, मृत्यु नहीं मृत देह को सीधा अथवा घुमाकर सुला दिया जाता था। मृतक के साथ विभिन्न वस्तु भी दी जाती थी और समाधि में विभिन्न प्रकार के पालतू पशु को भी दिया जाता था। ये खुदाई करने के बाद, उनके समाधि स्थलों को खुदाई करने के बाद ये चीजें देखी गई हैं कि मृत जो देह है, मृतक की जो देह है उसको घुमाकर सुला दिया गया है और उसके साथ बहुत सारी वस्तु भी दी गई है, यहाँ तक कि उनके जो प्रिय पालतू पशु थे उनको भी दफनाया गया है। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न शुरू होता है, मेहरगढ़ सभ्यता के बाद हम सिंधु घाटी की सभ्यता देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? सन 1922 ईस्वी में। ठीक है, आगे के प्रश्न को देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्यों? ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी के जो बाहर के क्षेत्र थे उसमें भी फैली हुई थी। ठीक है, पहले जब शुरू शुरू में खोज हुई तो देखा गया कि यह सीमित क्षेत्र है, परंतु जैसे जैसे खोज होती गई देखा गया कि सिंधु घाटी के बाहर का जो इलाका है, बाहर का जो क्षेत्र है, वहां तक भी ये फैला हुआ है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो जगह है वह सभ्यता का प्रमुख केंद्र है, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है हटाकर हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया, क्योंकि हड़प्पा जो है वो यहाँ का प्रमुख केंद्र है। अच्छा, आगे का प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता प्राय इतिहास युग की सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा के लोग लिखना तो जानते थे लेकिन उसे उस लिखावट को, उनकी लिखावट को आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। आगे का प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग जानते थे, तब वो किस धातु का प्रयोग ज्यादातर करते थे? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और ब्रॉन्ज होगा, ब्रांच नहीं होगा यहाँ पे, जौ होगा, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज धातु का प्रयोग जानते थे, इसलिए इसे तांबा और ब्रांज युग की सभ्यता कहा गया। मुख्य रूप से तांबा और ब्रांज जो होता है उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, यानी जब खोज हुई, खोज की जाने लगी, तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है उसको बताया गया। तो देखो, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसमें कुछ छोटे प्रश्न भी हैं, कुछ बड़े प्रश्न भी हैं, प्रश्न मिले हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत भूमि पर लगभग 13 लाख, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई थी, या उत्तर में, ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो उत्तर में मांडा, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर तक, और दक्षिण में दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, पूर्व में
आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश तक और पश्चिम में सुतकर गोंडेर यानी पाकिस्तान तक फैली हुई है। तो ये इसका पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण में इसका फैलाव, इसका विस्तार कहाँ तक है हड़प्पा सभ्यता का, वो बताया गया है ये किन किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के प्रधान, इसका जो आगे का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रधान केंद्र कौन कौन से हैं, तो इसमें कुछ प्रधान केंद्रों के नाम दिए गए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और सुरकोट दा, ठीक है, ये इसके कुछ प्रधान केंद्र हैं। आगे का प्रश्न देखिए, प्रथम नागरायण किसे कहते हैं? तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा में ही प्रथम नगर तैयार हुए। प्रथम नागरायण का मतलब यहाँ प्रथम नगर से सबसे पहली बार नगर कैसे बना और कहाँ बना, तो कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा जो जगह है वहाँ पर ही प्रथम नगर तैयार हुआ था, इसलिए इसे प्रथम नागरायण कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर परिकल्पना के बारे में बताइए, यानी वहाँ पर नगर योजना कैसी थी, किस तरह के नगर देखने को मिलते हैं वो बताइए। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के दौरान बस्तियों को एक गढ़ और एक निचले शहर में विभाजित कर दिया गया था, यानी दो इलाका बनाया गया था, एक जो आम लोग हैं उनके रहने के लिए और एक जो उच्च सामंती उच्च लोग हैं उनको रहने के लिए। ठीक है, सड़कों, घरों और संरचनाओं और भवनों का निर्माण सिंधु के लोगों द्वारा, यानी यहाँ के लोगों के द्वारा ही किया गया था। इमारतें ईंटों से 1:2:4 के अनुपात में बनाई गई थी, यानी ईंटों का क्रम ऐसा ही था, चाहे वह राजस्थान में हो, पंजाब में हो या सिंध में हो, हमें इसी तरह की इमारतें, इसी तरह की ईंट देखने को मिलती है। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता की नगर परिकल्पना में और भी बहुत चीज़ें हैं, परंतु मैंने उसमें से कुछ जो बारीक चीज़ें हैं वो आपको बता दी है। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के सामाजिक जीवन का वर्णन करो, यानी वहाँ हमें किस तरह का समाज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, सिंधु घाटी का जो समाज है मुख्यतः चार भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? शासन वर्ग था, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक और दास थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो भेड़, बकरी, मछली, अंडा, गेहूँ, जो मतलब सारी साग जो सब्जियाँ अधिक खाते थे। ठीक है, पुरुष एवं स्त्री के पोशाक सामान्यतः एक जैसे थे, एक तरह के वस्त्र पहनते थे, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण यानी गहने पहनते थे। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो नृत्य गायन, आखेट यानी शिकार करना, नौका दौड़ आदि के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे, और अंतिम संस्कार यानी मृत्यु हो जाने के बाद व्यक्ति को जलाना भी था और दफनाया भी जाता था, दोनों तरीके ही प्रचलित थे। इसके बाद का प्रश्न, सिंधु घाटी के, ये सारे बड़े प्रश्न में आते हैं, पहले जो मैंने आपको कराया छोटे प्रश्न थे, अब जो करा रही हूँ वो बड़े प्रश्न है कि सिंधु घाटी के आर्थिक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था, यानी वो अपने जीविका को चलाने के लिए क्या करते थे। तो मुख्य रूप से वहाँ के लोग व्यवसाय थे, ठीक है, व्यवसाय करते थे, फिर कृषि और उसके बाद पशुपालन था। वहाँ के लोग गेहूँ, जौ, कपास, खजूर आदि की खेती करते थे। गाय, भैंस, सुअर, बकरी, कुत्ता आदि इनके पालतू पशु थे। इस तरह उनका आर्थिक जीवन चलता था। अब देखिए, ये हमने उनके आर्थिक जीवन के बारे में जाना, सामाजिक जीवन के बारे में जाना। अब जो इसके बाद प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, क्या उत्तर है कि बाढ़, ऐसा मानना है इतिहासकारों का कि या तो बाढ़ या फिर वर्षा या फिर कोई प्रमुख जलवायु परिवर्तन हुआ था जिसके कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, ठीक है। और कुछ विद्वान और वैज्ञानिक तो ऐसा भी मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो नष्ट हो गए थे। और इसके बाद का प्रश्न, ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस पाठ से, कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बताइए। तो देखिए, हड़प्पा के निवासी लिखते थे, उनकी लिपि भी मिली है, लेकिन मुश्किल यह है, समस्या यह है कि आज तक भी कुछ लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि हड़प्पा की जो लिपि है
वो बहुत हद तक सांकेतिक है, सांकेतिक होने के कारण हड़प्पा की जो निवासी जो लिखते थे उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये इस पाठ की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसमें मैंने छोटे बड़े प्रश्न को मिश्रित करके दिया था। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, आपके इस पाठ को पढ़ने में मदद करेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके लिए उपयोगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।